तो इस वीडियो में सेवन क्लास का मैथ देखेंगे, एक्सरसाइज 21.1 का पार्ट थ्री। दो पार्ट हो चुका है इसका। चैप्टर का नाम क्या है? क्षेत्रफल का दैनिक जीवन में उपयोग, है ना। दैनिक जीवन में कैसे कैसे क्षेत्रफल का उपयोग होता है वो देख रहे थे। दो पार्ट हो गया है, दो पार्ट। ये दोनों में क्या था, वर्ड में कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ था, शब्द में कुछ प्रश्न था, उसको हल करना था। 9 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, आज देखिए 10 नंबर। इसमें क्या है, चित्र बनाया हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इस तरह का एक आयत बना हुआ है, एक आयत है और बीच में एक वृत्त है, और इसका चारों ओर ये कलर किया हुआ है, ये ठीक है। ये 18 मीटर है, ये 14 मीटर है, और यहां से त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये चित्र बनाया हुआ है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने वाला है, ठीक है। ये जो भाग है छायांकित किया हुआ है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। दिया हुआ है ये आयत जैसा 18 मीटर लंबा है, 14 मीटर चौड़ा है, और ये दिया हुआ आधा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो कलर किया हुआ उसका क्षेत्रफल। तो देखिए, छायांकित भाग में देखिए तो कैसा अजीब टाइप का भाग बन रहा है। तो खाली अगर देखिएगा छायांकित भाग को और सोचिएगा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। डायरेक्ट अगर सोचिएगा छायांकित भाग का कलर वाला का खाली क्षेत्रफल निकाल दे तो इम्पॉसिबल, नहीं निकलेगा। तो निकालना कैसे होगा, इनडायरेक्टली, यानी बाहर से देखना होगा, कहीं दूसरा तरफ से देखिए। बाहर से देखेंगे तो पूरा देखे, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो आयत दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल पता है, निकल जाएगा। ये आयत निकल गया, हमको देखिए टारगेट ये कलर वाला लेना है, इसको निकालने का। तो पहले आयत निकालेंगे। अब ये जो बीच वाला व्हाइट वाला दिख रहा है ये गोल, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का भी तो क्षेत्रफल पता है, तो वृत्त का निकाल दिए, ठीक है। अब कलर क्या है, ये वृत्त को छोड़ के बाकी सब कलर है, तो वृत्त को समझिए यहाँ से निकाल दिए, तो क्या बचेगा, कलर वाला भाग खाली। अब ये ऐसा निकालना मतलब क्या, उठा के तो नहीं निकाल सकते, क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। निकालना हटाना मतलब का घटाना, ठीक आए बात समझ में। तो टोटल निकाल के व्हाइट वाला को भी निकालेंगे क्षेत्रफल, अभी व्हाइट वाला को घटा देंगे तो बच जाएगा ये कलरफुल वाला, यानी छायांकित भाग का, ठीक। तो वही काम करना होगा। देखिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस बीच वाला गोल का क्या है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल, आया बात समझ में, आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा छायांकित भाग। लगाइए फॉर्मूला, अब आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लिख कर दीजिए गुना 18 गुना 14, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एक बार फॉर्मूला लिख दे, चलिए पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, या इसमें भी एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, चलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना, 18 गुना चौड़ाई 14, माइनस पाई का मान 22/7, त्रिज्या देखिए त्रिज्या 7 है, तो 7 गुना 7 है, ये 7 देखिए कट रहा है, काट दीजिए जो बच गया, गुना कीजिए, गुना कीजिए, तो गुना कीजिए, देखिए 18 14 को, 14 8 कितना है, तो पता नहीं, 4 8 32, 4 का 4 5 6 7, 8 का 8, 1 का 1, 2 5, 2 252, माइनस ये 22 22 सत्य कितना,
54, ठीक है। अब माइनस कीजिए, 12 में 4 8, 4 में 5 यानी 14 में 5 9, 9 5 14, 1 में 1 0 यानी 98 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। तो क्या करना है, समझ में आ रहा है, टोटल निकाल लेना है। ये वाइट में जो भी रहेगा वाइट का भाग को निकालेंगे और वाइट का को घटा देंगे, निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। अब चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया फिर वृत्त का क्षेत्रफल, तब लास्ट में छायांकित भाग लिख करके घटा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ ही कीजिए, है ना। छोटा वाला रहे एक ही साथ कीजिए, और बहुत ज़्यादा निकालना रहे तो अलग अलग कर लीजिए, है ना। जैसे क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे समझ में आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है। हाँ ये थोड़ा डेंजर दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 10 दो है यानी 10 10 20, सब तरफ से 20 यानी क्या है, ये वर्ग है। क्या है, वर्ग, जिसका सब भुजा बराबर तो वर्ग कहते हैं, तो ये वर्ग है। अब ये वर्ग है, हमको देखिए ये अंदर का जो त्रिभुज जैसे बनल है ना, ये त्रिभुज ये वाला कलर किया हुआ है यानी इसका भाग क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए तो डायरेक्ट अगर त्रिभुज का देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, हैं, डायरेक्ट में देखिए ना कोई भुजा त्रिभुज का दिया हुआ नहीं है, तो त्रिभुज का अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो फिर वही देखेंगे पूरा कंप्लीट, देखिए तो कंप्लीट में वर्ग एक दिख रहा है, ठीक है, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग में तो टोटल निकल गया। अब जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसको सबको घटाना पड़ेगा, एक दो तीन को व्हाइट का भाग है इसमें, तो तीन को का क्षेत्रफल निकाल के तीनों को जोड़ लेंगे व्हाइट का और तीनों को जोड़ के जितना आएगा उसको घटा देंगे ये वर्ग का क्षेत्रफल से यानी टोटल क्षेत्रफल से। तो ये व्हाइट का वाला घट गया, एगो ये घट गया, एगो ये, एगो ये, तीनों को घटा देंगे तो बच जाएगा क्या, कलर वाला, आ रहा समझ में, टोटल निकालेंगे उसके बाद हमको इसको निकालना है। तो क्या करें, टोटल निकाले उसमें सब निकल गया, ये सब निकल गया, तो इसको हटा देंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको, तीनों को हटा दिए तो बचेगा ये, ठीक है। तो तीनों को हटा देंगे, किससे हटाएंगे, तो वर्ग से, है ना। कैसे हटाएंगे, उठा उठा के नहीं हटाएंगे, कैसे, घटा घटा के, है ना। तो देखिए कैसे इसको एक बार लिख दें, चलिए इसमें नाम लिख देते, कहा कि त्रिभुज तीन को है, कन्फ्यूज हो जाइएगा कौन सा त्रिभुज कौन क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नाम रख दीजिए ए बी सी, यहाँ डी ई एफ, ऐसा, ठीक है, हाँ, ताकि आसानी हो जाए। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक ही लाइन में इसको भी कर दे रहे हैं, क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे किसको, एक दो तीन गो को, है ना, यानी तीनों को पहले जोड़ लेते हैं उसके बाद माइनस करेंगे तो ठीक होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, है ना, है ना, क्या करेंगे, ब्रैकेट में पहले तीनों को जोड़ेंगे बराबर, तो यहाँ से करते ए बी ई एफ एफ ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, फिर प्लस जोड़ दे, इसको जोड़ते बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, फिर प्लस कर देते हैं इसको डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, आ रहा बात समझ में, क्या कर रहे हैं, वर्ग निकाल के
एक दो तीन, तीनों को घटाना ना है तो तीनों को पहले जोड़ लीजिए। मान चलिए इसका अगर 5 आया, इसका 10, इसका भी 10, मान चलिए तो 10, 20, 25 को क्या करेंगे, वर्ग से घटा देंगे। तो वही कर रहे हैं, यहाँ जितना भी आएगा वो तीनों को जोड़ लेंगे, ब्रैकेट में इसे लगाए, ब्रैकेट का काम पहले होता है, यानी जोड़ लेंगे उसको, जितना आएगा उसको ये वर्ग वाला टोटल से घटा देंगे तो बन जाएगा कलर वाला। ठीक है, तो ये 10 नहीं है ना, ऐसे समझा रहे हैं। हाँ, तो लगाइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा, फिर माइनस में माइनस माइनस ए बी एफ का क्षेत्रफल, ए बी एफ त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला एक बार लिख दे रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, तो वही तो सब में होगा ना क्षेत्रफल, कि अलग हो जाएगा, सब में वही क्षेत्रफल होगा, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सब का लिए क्षेत्रफल तो वही होगा, सब त्रिभुज है, है ना। अब वैल्यू रखिए भुजा, भुजा देखिए 20 और 20 है, तो 20 गुना 20 माइनस माइनस 1/2 इंटू बेस, बेस देखिए त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ है ना, बेस और हाइट, तो देखिए बेस ये 10 दिया हुआ है, ये हाइट 20 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, बेस 10 20 हाइट, है ना, प्लस फिर से 1/2 इंटू बेस, क्यों कौन सा त्रिभुज बी सी डी में, देखिए बी सी डी इसमें देखिए हाइट, हाइट देखिए फिर से 20 और ये वाला कितना होगा, तो वही इसके जैसा होगा, इधर 10 इधर 10 है ना, कहीं बीच में, बीच में मेरा नहीं दिख रहा होगा, बुक में देखिएगा बीच में है ये, है ना, तो 10 10 10 तो वही हो गया 10 गुना 20, फिर प्लस 1/2 इंटू बेस, बेस इसका देखिए ये छोटका त्रिभुज ये दिख रहा है, ये 10 बेस दिख रहा है, हाइट भी 10, तो 10 10 10 गुना 10। ठीक है, अब काट पीट करके जोड़ के घटाइए, कुछ करिए, है ना, ये देखो 20 20 गुना कीजिए तो 2 2 4 2 0 400। हाँ, आगे बढ़ते हैं, तो ये कट रहा है 2 5 10, तो 20 5 हो गया 100 प्लस ये कट रहा है 2 5 10, 20 5 100, सेम है दोनों था तो सेम आया, प्लस ये कट रहा है 2 5 10 और 10 5 50 आ गया। ठीक, अब जोड़िए उसको पहले, उसके बाद इससे घटाएंगे, जोड़िए 100 100, 200 और आधा, मान लो 200 और 50 250, अब घटाइए 400 में 250 कितना बच जाएगा, 150 है, 250 हाँ 150। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर के मीटर जो भी है, सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्लियर है। तो टारगेट क्या करना है, टोटल निकाल के जो वाइट वाइट वाला रहेगा उसको घटा देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा। ठीक, चलिए और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आयत दिया हुआ है, लंबाई 20 चौड़ाई 14, ये आयताकार, और यहाँ पे एक ये ऐसा गोला किया हुआ, आधा गोल, आधा गोल यानी क्या अर्धवृत्त, ठीक है, निकालना इधर, इधर छाया किया हुआ है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए फिर अब इसको खाली देखेंगे ये छाया वाला, तो इसका कोई वैसा सूत्र नहीं होता है, कोई नियम कानून नहीं होता है जिससे ये निकले डायरेक्ट, है ना, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो भाई पूरा निकालेंगे पहले। ठीक, तो पूरा निकाल के फिर वाइट वाला यानी ये वाला निकाल के घटा देंगे, तो देखिए पूरा निकल सकता है कि नहीं उसको देखिए, तो आयत है लंबाई चौड़ी दिया हो तो निकल सकता है। अब इसमें देखिए ये निकल सकता है, ये वाइट का वाला, ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का कुछ जानते हैं फॉर्मूला क्षेत्रफल का, है क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, देखे थे क्या हुआ क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, आधा है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल का आधा यानी अर्धवृत्त है, तो इसलिए क्षेत्रफल का आधा कर देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पते है, आर देखिए निकला निकल जाएगा यहाँ से, ये 14 क्या टोटल लंबाई है यानी व्यास है 14, तो इसका आधा करेंगे तो आर निकल जाएगा, यानी ये इसका निकालना संभव है क्षेत्रफल इसका भी टोटल का भी, तो निकाल दीजिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लगा दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई 20 गुना 14 माइनस अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पाई
आर स्क्वायर। तो आर कितना है देखिए, थोड़ा सा ऊपर निकाल लीजिएगा, ठीक है। डी कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये टोटल है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 14, यानी वो डायमीटर कहते हैं व्यास, तो व्यास दिया है 14, तो आर निकालेंगे तो 14/2, इसका आधा होता है व्यास का आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या 7 है ना, तो लिखेंगे त्रिज्या 7। फॉर्मूला इसका 1/2 pi square। अब चाहे तो फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। काटिए, 7/7 काटिए, 14 × 2 = 28, 280, ये भी कट रहा है 11 × 11, 280 में 11 घटाइए, कितना हो जाएगा 9 × 7 = 6, यहाँ 269 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा इस तरह का क्षेत्रफल। चलिए देखिए ये है क्वेश्चन, इसमें देखिए टोटल भाग कलर किया हुआ है ना, टोटल भाग कलर किया हुआ है, ये पूरा कलर दिख रहा है मेरा समझ, ये हल्का हल्का कलर दिख रहा है ना, लेकिन ये टोटल भाग ही कलर होगा, ठीक है। इस बुक में हल्का हल्का लग रहा है वाइट भी कलर भी, लेकिन कलर ही होगा है ना, क्योंकि इसको वाइट देने का कोई मतलब ही नहीं है, कलर ही होगा, ठीक। ये पूरा कलर होगा, यानी ये भी कलर, ये भी, टोटल काबर क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, कुल क्षेत्रफल टोटल है ना। अब देखिए टोटल अगर एक के बार यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये तो अजीब टाइप का दिख रहा है ना, आयत है ना, वर्ग है ना, कुछ अजीब है ना, अजीब है कैप्सूल, तो इसका क्षेत्रफल पता नहीं, तो एक एक यहाँ से देखिए, यहाँ से ये अर्धवृत्त दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ये एक अर्धवृत्त है, इधर अर्धवृत्त एक है यहाँ तक ये वाला, उसी तरह एक इधर अर्धवृत्त है, आधा वृत्त, ठीक है। बाकी बात यहाँ से यहाँ तक जो बच गया, ये 20 और ये 14, तो लंबाई चौड़ा यानी आयत है, तो दो गो अर्धवृत्त और एगो क्या है, आयत है, तो हमको तो टोटल का निकालना है, तो क्या करेंगे, दो गो अर्धवृत्त का निकाले, एगो आयत का, सबको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा भाग छायांकित किया हुआ है, ठीक है। तो वही लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या करेंगे इसमें, इसमें जोड़ना है ना, क्या टोटल निकालना है, इसलिए सबको जोड़ देंगे, तो दो गो अर्धवृत्त है, एक दो, तो दो गो अर्धवृत्त, अब दोनों अर्धवृत्त तो सेम है ना, है ये 14 तो ये भी 14 होगा, यानी दोनों का व्यास सेम है, तो त्रिज्या भी सेम होगा, व्यास कितना 14 है, तो त्रिज्या यानी आर कितना होगा, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, दोनों का 7 सेंटीमीटर, यानी दोनों का क्षेत्रफल भी सेम होगा, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं दो गुना अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, दो अर्धवृत्त है इसलिए दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है इसलिए, अलग अलग रहता तो अलग अलग जोड़ते, दोनों सेम है इसलिए दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद एगो आयत है, तो प्लस लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, लगाइए फॉर्मूला, दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 pi r² प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो देखिए 2 तो कट गया, ये 2 कटिए, पाई का मान रखिए 22/7, आर 7 आया था, 7 × 7 प्लस लंबाई, लंबाई है 20 गुना चौड़ाई है 14, ये 7 भी कटिए, 22 × 7 बचिए, 22 × 7 = 154 होता है, 154 प्लस 14 × 2 = 28 और एगो 0 जोड़ दीजिए, 4 × 8 = 13, 2 × 3 हाँ 3 और एक बचल है 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक, कोई परेशानी नहीं, सब कलर था इसलिए इसमें सबको जोड़ दिए, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसमें बड़ा कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सुधारने का, सुधरा थोड़ा सा, चलिए इस तरह का है और कलर किया हुआ इधर, ये वाला भाग कलर, ये वाला भाग कलर, हाँ ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर निकाल लीजिए, अब ये भाग, ये वाला कलर, ये वाला, दोनों कलर का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका तो इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। मन क्या करेंगे, टोटल निकाल के फिर दिख रहा वाइट वाला अर्धवृत्त, इधर भी एगो अर्धवृत्त, तो दोनों अर्धवृत्त को का क्षेत्रफल में टोटल को घटा देंगे, उल्टा बोल रहे हैं,
टोटल में दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे, है ना, टोटल निकालेंगे, उसके बाद इसको एक ठो घटाए, ये अर्धवृत्त, फिर ये अर्धवृत्त घटा, तो बचिए ये वाला, ठीक है। यानी वही लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग, है ना, 14 14 दोनों बराबर भुजा है मतलब वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो गुना अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए फिर से दो गुना अर्ध वृत्त कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त सेम है ना, है ये 14 ये भी 14, यानी दोनों का व्यास 14 14 है, तो त्रिज्या कितना 7 है, है ना, त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा 7, तो दोनों का त्रिज्या 7 है, यानी दोनों अर्धवृत्त जो है एक समान है, तो दोनों को अलग अलग क्षेत्रफल निकालने का जरूरत है, एक एक को निकाल के 2 से गुना कर देते तो दोनों का निकल जाएगा, इसलिए लिखे 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी एक अर्धवृत्त निकालेंगे 2 से गुना हो गया काम, ठीक। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई या भुजा गुना भुजा होता है ना, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr² फिर देखिए 1/2 2 2 कटिए, भुजा स्क्वायर, भुजा है 14 तो 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14 माइनस पाई का मान 22/7 × r, r आया है 7 तो 7 × 7 एगो 7 कटिए, अब 14 × 14 = 56 का 6 हाथ में 5, 14 × 14 = 5 = 19 196 माइनस 22 × 7 = 154 तो विशेष आ रहा है ये 154 घटाइए 196 में 154, 6 में 4 घटावे तो 2, 9 में 5 घटावे तो 4 और 1 में 1 घटाए तो कोनो नहीं, तो 42 सेंटीमीटर है, कितना 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इस 10 को क्वेश्चन है, 5 को कर दिए, कोशिश कीजिए अगला अपने से बनाने का, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना कंप्लीट कीजिए, है ना।